तो रोड का काम पूरा हो गया, पानी पटाया जा रहा है और डैड जा रहे हैं बाजार। तो आज का वेदर लेकिन बहुत सुहाना है, लॉट्स ऑफ क्लाउड्स। सोचो थोड़ा घूम के आते हैं। तो आज चल रहे हैं देखने की कांटा टोली, डोरेंडा, सिरम टोली में कितना काम का प्रोग्रेस हुआ, क्या चल रहा है आफ्टर ऑल। तो अब यूजुअली रिम्स का कंपाउंड या कैंपस के अंदर, और यहाँ से निकल जाएंगे कोकर के पास, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया। सो डायरेक्ट मिलते हैं कांटा टोली के पहले, क्योंकि वहाँ पे ना रोड भी बना रहा है, तो चौड़ा करने के लिए जो रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, कैसा हो रहा है वहाँ पे मिलता है। ऑलराइट, तो कांटा टोली के पहले, जो कांटा टोली जाते समय जो फ्लाईओवर पड़ता है, ब्रिज, ये ब्रिज को भी चौड़ा कर रहे हैं। और लेट मी शो यू, ये जो हाई ये वाला दिख रहा है, ये एक्सटेंड होता है आर्म, और आर्म एक्सटेंड होके जहाँ जहाँ चाहो वहाँ वहाँ ढलाई का मसाला दे सकता है। जैसे ये ढलाई होगा, वहाँ से उतना चौड़ा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर आएगा। और सेम लाइकवाइज इधर भी हो रहा है। तो ये ब्रिज फ्लाईओवर चौड़ा हो जाएगा। और ये दूसरे साइड वाला जहाँ पे ये ढलाई का काम चल रहा है, वाह। तो ये वाला ब्रिज काफी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा और रास्ता भी चौड़ा कर रहा है। ये सब रास्ते इतना ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे ये रास्ता बना भी दिया, देखो अमेजिंग। इधर भी यहाँ तक रास्ता का ढलाई हो गया है, पीच हो गया, ब्लैक रोड, इधर तो ब्लैक रोड हो ही गया। वाह, यहाँ पे और ज़्यादा काम दिख नहीं रहा है जो लास्ट टाइम था। तो लास्ट टाइम के लिए यहाँ पर आई बटन पर लिंक है, चेक इट आउट क्या काम हुआ था। तो इतना ही है, पिलर्स खड़ा होके हो गया, बट ऊपर अभी तक और कुछ दिख नहीं रहा होते हुए यार। रास्ता अभी तक किसी किसी का ऊपर का जो ऊपर को जो होल्ड करने का जो बेस है वो ढलाई ही हो रहा है, कुछ कुछ का, मैक्सिमम का तो हो ही चुका है। और ये रहा ऑल सेंट्स ग्रेवयार्ड CNI का, तो आई बटन पर लिंक है, देख लेना अपना ईस्टर इस बार कैसा हुआ। अभी इस तरफ जो कांटा टोली से बाहू बाज़ार की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें एक काम हो रहा है, पिलर्स खड़ा था, अब बस सबका ऊपर वाला पार्ट जो है वो जो दिख रहा है, ये सब वो ढलाई हो रहा है। इस सब के लिए सब कास्टिंग के लिए रेडी कर रहा है। रातू रोड का काम बहुत तगड़ा तेज़ी से हो रहा है, इधर का भी हो रहा है, बट ठीक है। चलो एक डेढ़ साल में उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सा सब कुछ हो जाएगा, इसके ऊपर सजाएंगे हम लोग। यहाँ पे कहीं कहीं पे काम चलना अभी भी स्टार्ट ही है। ओके, मस्त। तो बाहू बाज़ार
सेंट पॉल्स कैथेड्रल, और यहाँ तक का जो है बन के रेडी है। अब इसके आगे का क्या हिसाब है पता नहीं। अब चलते हैं सेरमडोली चौक। अच्छा, ये सब जगह में देखो मापी कर रहे हैं, इधर कर लिया है ज़मीन के लिए, इतना चौड़ा रोड हो जाएगा, ये सब सब का बाउंड्री टूटेगा, या शायद इतना तक ही होगा, आई डोंट नो, वो तो देखने वाली बात होगी। बस पहुंच गए सेरमडोली चौक। तो ये रहा सेरमडोली चौक, और सेरमडोली चौक का ओ इसके ऊपर कुछ कर रहा है, ये दिख रहा है आया हुआ है, इतना बड़ा उसको चढ़ा रहे ऊपर। चलो देख के तो आ ही सकते हैं। तो ये एलिवेशन है, पिछले बार जब देखे थे ये बस एलिवेटेड ही था, इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ नहीं था। तो अभी सेरमडोली पे देख लो, ये वाला चढ़ गया ऊपर, इसका लग गया है, उसका लग गया है। यहाँ पे क्रेन को प्रिपेयर किया जा रहा है उसका वेट के लिए। ये क्रेन दिख रहा है, वाह एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। वाह XCMG। क्या लुक है। पहुंच गए ऊपर। ऑलराइट, पटेल चौक और ड्रिलिंग क्रेन एक यहाँ पे है। और यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे ऑब्वियसली बनाया जाएगा, ये ड्रिल किया जाएगा। एक यहाँ पे ड्रिल हो रहा है, कास्टिंग के लिए ये रेडी हो गया है। दिस वन सही है। तो अभी है अपना डोरंडा वाला फ्लाईओवर के ऊपर, और एक चीज़ तो बहुत अमेजिंग लगा यार, वो सेरमडोली के पहले पटेल चौक पे पहुंच गया ड्रिलिंग मशीन, अमेजिंग। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना काम हुआ है। अच्छा, एक ड्रिल मशीन यहाँ पे, निवारणपुर ही बोलेंगे इसको, राइट। हो खतरनाक। एक पिलर यहाँ पे खड़ा हो गया है। ब्रिज के कितना नज़दीक था यार। देखिए देखिए, वो लास्ट टाइम पे वैसा ही था। ओह, इसका ऐसा फिनिशिंग हो गया है, सही है। अच्छा, फिर से घूम के ही जाना है। ऑलराइट, तो डोरंडा का पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के पास एक ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पे ये ड्रिल कर रहा है। यहाँ पे भी ये हो गया है।
ये डाउन एलिवेशन है, ऐसे करके नीचे जाएगा या वहाँ से ऐसे करके ऊपर। शानदार। वेल, मैंने प्लेलिस्ट तो बना दिया है, डू चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में है नीचे। वाह मस्त। रांची बहुत तरक्की कर रहा है यार। राजेंद्र चौक और यहाँ से हम जा रहे हैं इधर बोधराज जो अपना पड़ता है आगे इधर। सही है। क्या काम हो रहा है भाई साहब, मस्त। पिछले बार जब आए थे यहाँ पे बस खुदाई का काम चला था, अब यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे बनेगा ये बेस बना के पिलर खड़ा होगा। वही वाला मशीन उधर। और आगे कुछ लेट्स सी, चला जाए आगे और कुछ नहीं। तो बस डोरंडा कांटा टोली सिरम टोली, उसका बस यही रहा जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। प्रोग्रेस ठीक है, इट टेक्स टाइम, तो अपने टाइम से अपने हिसाब से हो ही रहा है, लेट्स सी। तो अब तपोवन मंदिर होके कटरू होके अब जाएंगे घर। एक अमेजिंग सा कोल्ड शावर, मज़ा आ जाने वाला है। चलो फिर।